हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस टर्म वन के लिए क्लास टेंथ का, और वो भी चैप्टर सेकेंड। चैप्टर वन के एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जिसे भी टर्म वन के चैप्टर वन रियल नंबर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें हम लोग कवर करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर के टर्म वन में आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं इसे पढ़ के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर टर्म वन एग्ज़ाम सीबीएसई 2021, और टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल। तो फालतू का बात किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक बार आपको बता दें कि आपके सिलेबस में जो पॉलिनोमियल में है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशेंट्स एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ओनली। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ना डिवीज़न वाला कहानी पढ़ना है, ठीक है। आपको बस सिर्फ आप कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल को आपको पहचानने आना चाहिए, है ना, आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। दूसरा चीज़ पहचान कह सकते हो, पहचान आना चाहिए। दूसरा चीज़ ज़ीरोज निकालने आना चाहिए, और तीसरा चीज़ रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशेंट्स एंड क्या ज़ीरोस जो आप पे होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए और सी वाई ए। इतना सही क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लिए गए हैं, और वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, वन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का पहचान क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स रहेगा उस पर पावर होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3 etc। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें देखो 4√x लिखा गया है सेकेंड टर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस के बाद 5x है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम थोड़ा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, जो 4√x हो जाने की वजह से x का पावर 1/2 हो गया, क्योंकि रूट में का मतलब होता है x का पावर 1/2। तो x का पावर जो होता है होल नंबर होगा तब पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा नहीं। फिर ऑप्शन नंबर बी में देखो, x का पावर वो 3/2 लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखा गया है आपका वो x का पावर 3/2 लिखा गया है, और यहाँ पे x का पावर 1/2 लिखा गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। सी तो सीधे लग रहा है कि रूट अंडर एक्स है, ये भी नहीं होगा। तो आपका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन में देखो, रूट अंडर 2 है, एक्स पे पावर तो 2 है, -3√3 है और एक्स है, तो जितना भी एक्स है उस पे पावर होल नंबर है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इसमें भी हमको बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है और x का पावर 1 है। कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, x का पावर केवल देखना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि 9x² - 4x + √2 है ना, +√2 है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि x का पावर आपका होल नंबर मिल रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए ज़रा, तीसरा ऑप्शन भी है। चौथा ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है वो क्या है, x + 3/x। तो बाई में अगर x आ गया तो आप इसे लिखोगे 3 × x⁻¹, जिसकी वजह से x का पावर होल नंबर नहीं हुआ, है ना। ये 1/x को क्या लिखोगे, x² - 1, जो कि होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहेगा जब पढ़िएगा। द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, आपका पॉलिनोमियल है x² - 2x - 3, इसका ज़ीरोज़ निकालना है। अगर आपको ज़ीरोज़ निकालने आता है तब तो निकाल लीजिए, और नहीं तो जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसको डाल डाल के देखिए कि किस वैल्यूज़ को डालने पे आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो यही उचित होता है कि ऑप्शन वाइज ही आप चेक कर लीजिए। जैसे हम ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, x का वो वैल्यू जिसको डालने पर वैल्यू ज़ीरो आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो आप देख ही रहे हो, ये -3, 1 है, तो -3, 1 आप डाल के देखिए। तो x की जगह पे अगर आप -3 डालोगे तो ये -3 का स्क्वायर होगा, -2 × -3 होगा,
और माइनस 3 होगा, तो ये 3 3 जा 9 प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना के 6 हो जाएगा और माइनस 3, तो 9 6 15, 3 घटेगा तो 12 आएगा, 0 नहीं आया, तो यानी कि माइनस 3 वाला जो ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो जिस जो भी ऑप्शन माइनस 3 है उसको हटा देंगे। कौन कौन हट जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हट जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हट जाएगा। अब x बराबर तो 3 तो दोनों में है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x बराबर 3 सेटिस्फाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि सी ऑप्शन में भी तुम्हारा 3 नज़र आ रहा है और डी ऑप्शन में भी 3 नज़र आ रहा है। तो आप बस चेक करो कि x बराबर 1 सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं। तो इसमें अगर 1 डाला जाए तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 3 ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब माइनस 1 सेटिस्फाइड करेगा। आप डाल के देख सकते हो, माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और यहाँ माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस 3 है ना, क्योंकि माइनस 1 डालोगे तो ये माइनस और यहाँ का माइनस मिलकर प्लस बना लेगा, तो 2 और 1 3 माइनस 3 0 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x और माइनस 12, ठीक है ना। तो जीरोज आपका दिया हुआ है ऑप्शन वाइज, तो आप रख के देख लें। सबसे पहले ज़्यादा आंसर जो है वो रूट टू, अगर रूट टू देखते हैं पहले रूट टू है कि नहीं, तो रूट टू सबसे, ए ऑप्शन तो ये है ना, रूट टू और माइनस रूट टू, तो सबसे पहले रूट टू चेक करो। तो रूट टू का जब स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ रूट टू डालोगे तो एगो रूट टू है एगो 2 होगा, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ये माइनस 12 बजेगा, ये ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं हम लोग चेक करते हैं 3√2 है ना, क्योंकि दो ऑप्शन में 3√2 है, तो 3√2 चेक करते हैं, है कि नहीं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर है आपका माइनस रूट अंडर 2x है और माइनस 12 है, x के जगह पर क्या डालना है आपको, 3√2, तो यहाँ पे 3√2 जब पड़ेगा तो इसका स्क्वायर होगा, माइनस ये रूट टू है इंटू 3√2 बनेगा और माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3 3 9 इसका स्क्वायर और ये 2 तो 18 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 3 और यहाँ से 2 एक बाहर आएगा तो 3 गुना के 6 माइनस 12, तो 12 और 6 18 हो गया। इसका मतलब x बराबर 3√2 इसका एक रूट था, यानी कि या तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही, नहीं तो डी हो जाएगा, ये तो नहीं होगा है ना। चलिए तो अब जो है आप चेक कर लीजिए कि माइनस 2√2 सेटिस्फाइड करेगा कि 2√2 सेटिस्फाइड करेगा। देखिए यहाँ पे अब हमको चेक करना है 2√2 को, तो x के जगह पे 2√2 डालेंगे और इसका स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस रूट अंडर 2 और इंटू यही 2√2 होगा और माइनस 12, तो ये होएगा 2 दुना के 4 और ये फिर रूट टू का स्क्वायर 2, तो 2 दुना के 4 और 4 दुना के 8 माइनस, यहाँ देखो ये 2 होगा और ये 2 मिल के 2 एक होगा, एक बाहर और आएगा 2, तो ये 2 दुना के 4 हुआ माइनस 12, तो ये 8 माइनस 16 हो गया, नहीं कटेगा ना, 0 नहीं ना आएगा, तो ये 2√2 इसका जीरोज नहीं है। अब जरा आप x बराबर माइनस 2√2 डाल के देखो, पक्का होगा, काहे क्योंकि जैसे ही तुम माइनस यहाँ डालोगे तो यहाँ पे माइनस पड़ेगा और ये आपका प्लस ही होगा, लेकिन ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, तो 8 4 12 हो जाएगा, तो 12 और ये माइनस 12 0 हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर 2√2 इसका होगा, और इसके पहले क्या आया था सोल्यूशन, 3√2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो इसके पहले आपका क्या सेटिस्फाइड हुआ था, x बराबर 3√2, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका 4x² प्लस 2√2x माइनस 3 कह रहा कि जीरोस बताइए, तो आपको क्या करना है, सबका वैल्यूज़ को चेक ही करना है, तो बारी बारी से डालो और चेक कर लो, ठीक है ना, बारी बारी से डालना और चेक करना है। तो चलो सबसे पहला है 3√2 है, तो ये हो जाएगा 4 गुना, एक्चुअली माइनस है तो माइनस भी रखो, 3√2 और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 5√2 है और गुना में माइनस 3√2 है और माइनस 3, देखते हैं
ये चार होगा गुना, ये तीन तिया नौ, नौ दुना के 18, फिर आपका ये प्लस माइनस माइनस होगा, और पाँच तिया के 15 और गुना ये √2 √2 में से एक दो बाहर आएगा माइनस 3, तो 18 चौके 72 माइनस 15 दुना 30 और माइनस 3, तो 30 और 3 33 कहाँ 0 हुआ, नहीं हुआ ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर ए सही नहीं होगा तो बी भी सही नहीं होगा, क्योंकि बी में आपका -3√2 भी दिया है ना, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि सब ऑप्शन में -3√2 ही है, तो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन बच गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल x² -1/6 इंटू एक्स लिखा हुआ है और -2r, इसका जीरोज़ क्या होगा। ऑप्शन को बारी बारी से रख के देख लो, सबसे पहले तो -3 रख के देख लो, -3 रखोगे तो कितना होगा, ये -3 होगा तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ -3 रखोगे तो ये -3 और ये माइनस, प्लस हो जाएगा, और 3 है और बटे में 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 दुना के 6, -2, ये कभी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ -3/2 रखते हैं, तो -3/2 यहाँ पर रखोगे तो ये 3 3 9 और 2 दुना के 4, और यहाँ पर अगर तुम -3/2 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस और 1/6 इंटू 3/2 बनेगा और -2, तो ये 3 दुना के 6 हो गया, 2 दुना के 4 हुआ, तो ये हो गया 9/4 और प्लस 1/4 और -2, तो 9 और 1 10 हुआ, 10/4 हुआ, तो 10/4 भी तो नहीं कटेगा ना, 2 आएगा तब ना, 2 - 2 0 हो जाता, इसका मतलब -3/2 भी नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं कि क्या ये 3/2 होगा। -4/3 रखना था सी ऑप्शन के लिए, तो ये -4/3 से ये 16 होगा, 6 चौके 16 और ये 3 3 9, -1/6 है, क्या रख रहे हैं हम लोग, 4/3, तो ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये 4/3 हो गया और -2, तो ये हो जाएगा 2 दुना के 4 और ये 2 3 6, तो ये हो गया 16/9 और प्लस 2/3 3 9 और -2, तो 16 2 18 हो जाता है, तो 18/9 और -2, तो ये 9 दुना के 18 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ये है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल 7x² -11/3x -2/3r। ऑप्शन को देखो, 2/3 है, -1/7 है, 2/7 है, -1/3 है, -2/3 है, तो पहले 2/3 रख के देख लेते हैं, तो 2/3 रखेंगे तो ये 7 गुना 2/3 यानी कि 2 दुना के 4/3 3 9, -11/3 है, यहाँ क्या रखना है हमें, 2/3 -2/3, तो ये तो कटेगा नहीं, तो सच्चों के 28/9 -11 दुना के 22/9 और -2/3, तो 28 में से अगर 22 घटाओगे तो कितना बचेगा, 22 और 6 28 होता है, तो 6/9 और -2/3, तो अब इसको काटो 6/9 को, तो 2 3 2 6 3 3 9 -2/3 0 आ गया, मतलब 2/3 तो इसका है, तो 2/3 अगर है तो सी ऑप्शन तो कट गया और बी ऑप्शन भी कट गया, क्योंकि अब -1/7 तो बी करेगा ही करेगा, आप चेक करके देख सकते हो, है ना, -1/7 अगर आपको चेक करना है, -1/7 अगर आपको चेक करना है तो -1/7 के लिए क्या करोगे आप, ये हो गया आपका 7 और गुना 1/49 लिखोगे, क्योंकि 7 7 49 -11/3 और गुने आपको -1/7 रखना है, तो -1/7 रख लीजिए, ठीक है, और -2/3 है, तो ये 7 7 49 हो गया, ये 1/7। अब देखिए यहाँ पे, है ना, हमने क्या वैल्यू रख दिया x का, तो x का वैल्यू हम रख दिए हैं -1/7 और चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो -1/7 पे तो हमको लग रहा है कि नहीं सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये 7 7 49 होगा, ये 1/7 हो गया और ये माइनस ये जो
आपका मतलब x का वैल्यू आप माइनस वन बाई सेवन रखे थे यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हम लिख चुके हैं, तो ये 11 बटे 21 होगा और माइनस 2 बाई 3, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर माइनस वाले क्वांटिटी को जोड़ा भी जाएगा तो ये हम इसमें 7 से गुना कर सकते हैं एलसीएम को 21 बनाने के लिए। तो ये 1 बटे 7 और माइनस 11 बटे 21 और माइनस 7 गुना के 14 बटे 21, तो 11 और 14 आप जोड़ भी लो तो 11 14 कितना हो जाएगा, 14 10 24 और 1 25, तो माइनस 25 बटा 21 तो कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब माइनस 1 बाई 7 के बजाय इसमें हमारा क्या आंसर था, माइनस 2 बाई 3 सेटिस्फाइड किया था ना। आप कर सकते हो बारी बारी से ऑप्शंस लेके चेक कर लो, है ना, फालतू काम काम कर रहे हैं वैसे, सारे ऑप्शंस को आप चेक कर लो, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -10, क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 3 है, तो ये 3x प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है, -10 है, तो -10 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कौन है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जीरोज आर 3/5, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका 3/5 हो गया और बीटा का वैल्यू -1/2 हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो वो होगा 3/5 और -1/2, है ना, जोड़ेंगे तो ये एलसीएम 10 होगा, तो ये 3 दुना के 6 हो गया क्योंकि 5 से दो बार में जाएगा, तो ये 3 दुना 6 माइनस 2 5 10, तो ये 5 आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/10। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालते हैं, तो ये 3/5 गुने -1/2 कटेगा तो नहीं, तो -3/10, तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका, ठीक है, फार्मूला आपका क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू सॉरी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा ज़रा बताओ, तो ये माइनस 1/10 है ना, तो ये 1/10 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा खुद माइनस में है, तो ये -3/10। अब ऑप्शन देख के तुमको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ऑप्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम कह देंगे कि एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर -1x और -3, ये 10 को गायब किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में इसका कोई रोल नहीं है, हमेशा याद रखना कांस्टेंट को गायब कर सकते हैं। तो 10x स्क्वायर -x -3, 10x स्क्वायर -x -3, ऑप्शन नंबर अगर आप देखें ध्यान से तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे फटाक से, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 11 नंबर में कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 88x और प्लस 125, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। अब देखो हमें जीरोज निकालना नहीं है, दोनों जीरोज का साइन बताना है कि अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों नेगेटिव होगा कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना, ये सारी कहानी बताना है क्या है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a होता है ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -88 और -1। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, वो होता है c/a, तो c क्या है आपका 125 बटे 1। अब एक बात बताओ, अल्फ़ा और बीटा दोनों सेम साइन का होगा तभी ना प्लस में साइन आया है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस हो, दोनों अगर माइनस हो तो ये जो रिज़ल्ट आएगा वो माइनस में आएगा जी, आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में आएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है।
और क्या समझने वाली बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होता है माइनस बी बाई ए, तो ये माइनस 88 हुआ, और अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है सी बाई ए, तो ये 125 हुआ। तो ये अगर पॉजिटिव है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों या तो पॉजिटिव रहा होगा या तो दोनों नेगेटिव रहा होगा। फिर ऊपर आके देखो कि अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो क्या अल्फ़ा प्लस बीटा कभी निगेटिव आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि अल्फ़ा भी पॉजिटिव और बीटा भी पॉजिटिव, तो दोनों को जोड़ोगे तो एक पॉजिटिव नंबर जनरेट करेगा। मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव होगा, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन जोड़ेंगे कोई दो चीज़ को तो दोनों नेगेटिव, अगर नेगेटिव रहेगा तो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा बोथ आर नेगेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, बोथ नेगेटिव। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी, तो वहाँ पे आपका ए बी नहीं है, यहाँ पे जो आप लिखे हैं ए और बी, वो ए और बी नहीं है, वो है आपका अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा अगर बीटा अगर इसका ज़ीरोज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का, तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का नाम 5 है और ए का नाम 1 है, यहाँ पे 1 छुपा रहता है, और सी का नाम 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, जो ए और बी लिखा गया है वो अल्फ़ा और बीटा है, आर द ज़ीरोज ऑफ द 2x स्क्वायर प्लस 5x, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, देन अल्फ़ा बीटा, ये ए इंटू बी पूछ रहा है ना, उसका मतलब अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, तो सी क्या आपका माइनस 9 और ए क्या आपका 2, तो ये हो गया आंसर माइनस 9/2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कह रहा है, समझिएगा। इसमें कह रहा है आपका कि इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के स्क्वायर 2 इज़ 2, देन द वैल्यू ऑफ k। अब सोचो कि तुम्हारा अगर के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक ज़ीरोस 2 है, तो इसका मतलब ये ज़ीरोस है ना, मतलब इस x का वैल्यूज़ को इसमें पुट अप कर दें तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो आपका k का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, k इंटू 2 रखोगे x की जगह पे तो 2 × 4 प्लस 2 रखोगे तो 3 × 6 और प्लस k, यानी कि आपका 4k और ये 1k, कितना आ जाएगा 5k, और बराबर में ये 6 बराबर उधर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा -6/5, है ना, -6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सेम तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस के एक्स और प्लस 1, इसका एक ज़ीरोज़ जो है वो आपका -4 है। तो अगर एक ज़ीरो -4 है तो -4 इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो के माइनस 4 इंटू -4 का स्क्वायर होगा यहाँ, तो 16 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पे प्लस के एक्स है तो एक्स का वैल्यू तो माइनस है, है ना, एक्स का वैल्यू तो माइनस है, तो यहाँ पे -4 और के हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए तो 16 का के में करिएगा तो 16 के और माइनस 16 और माइनस 4 के और प्लस 1, तो ये 16 के और 4 के घटेगा तो 12 के बचेगा, और बराबर के उधर देखो ये -15 आएगा ना, क्योंकि -16 प्लस 1 -15, तो बराबर को उधर भेजोगे तो प्लस 15 हो जाएगा। तो ये काटो 3 से, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15, यानी कि आप k का वैल्यू कह सकते हो कि 5/4 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है वो क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि इफ़ माइनस टू एंड थ्री आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी, देन ए और बी का वैल्यू निकालना है। और इसके एक जीरोज क्या हैं आपके, माइनस दो हैं, और एक जीरो जो बीटा है वो क्या आपका तीन है। तो आप तो जानते हो ना कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी वाई है ना। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सम ऑफ रूट्स यानी कि आपका माइनस दो है और प्लस तीन है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी वाई है। तो माइनस बी तो ये है ना, और ये सी है तुम्हारा, और ये ए का वैल्यू वन है, तो माइनस बी की जगह पर क्या रखोगे आप, माइनस ऑफ ए प्लस वन और बाई वन, ए आपका वन है यहाँ पे, है ना, समझने वाली बात है, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये वन से कोई मतलब ही नहीं है, तो माइनस ऑफ ए प्लस वन, माइनस को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ए प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन, तो ए इज इक्वल टू माइनस टू, तो ए इज इक्वल टू माइनस टू तो दो ऑप्शन में है, ए और सी ऑप्शन में, तो बी को भी चेक करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो आप कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज कर लो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है सी बाई ए, तो आपका एक रूट आपका माइनस टू है और एक रूट आपका तीन है, और सी कितना है तुम्हारा, बी है और बाई वन, तो ये बी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस छः, तो माइनस छः वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले ऑप्शन में ए बराबर दो आ चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ़ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। देखो एक रूट तुम्हारा अल्फ़ा है, तो दूसरा जो बीटा है वो वन बाई अल्फ़ा है, तो अगर हम बोले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो वो तो सी बाई ए होगा, तो अल्फ़ा और इंटू अल्फ़ा वन बाई अल्फ़ा सी बाई ए होगा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट गया यानी कि वन बराबर सी बाई ए, तो सी कितना है आपका, के है, और बाई ए क्या है तुम्हारा, तीन है, क्योंकि इक्वेशन तुम्हारा क्या था, इक्वेशन था तुम्हारा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स और प्लस के, तो सी आपका के है, तो के का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, तीन, तो के का वैल्यू ये पूछा ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देन के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू बोल रहा है कि वो अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर है, तो आप बताओ कि के का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, तो ध्यान से देखो, तो इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस थ्री के प्लस थ्री के, तो यहाँ से आपका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो ये माइनस टू बाई के हो जाएगा, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए होता है, तो ये थ्री के बाई के हो जाएगा, क्योंकि तो आपका यही ना सी है और ए तो आपका ये के है, तो ये के से के कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो थ्री के इज़ इक्वल टू माइनस टू, यानी कि के का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना,